दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों रेलवे का ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो कि अभी चल रहा है, उसमें फर्जी करना इतना आसान नहीं हुआ है, क्योंकि कड़ी मेहनत के साथ सारे जांच कर्मी उसको जांच कर रहे हैं, और इसी का फल मिला है कि बिहार के चार फर्जी परीक्षार्थी जो एग्ज़ाम दे रहे थे उनको पकड़ा गया है। और कड़ी निर्देश के अनुसार सभी एग्जामिनेशन सेंटर में निर्देश जारी किया गया है कि ऐसे को स्टूडेंट को पहचाने, और कोई भी कुछ भी यदि संकोच होता है कहीं भी तो उसको जांच के लिए भेजें और पुलिस के थाने में भेज दें। तो कंप्लीट आपको डिटेल बताएंगे। तो आपको सबसे पहले, जैसे कि ये दैनिक भास्कर में न्यूज आया है कि बिहार के चार फर्जी परीक्षार्थी धराए, एग्ज़ाम लिख बाहर निकले तो मिलते थे पाँच पाँच हज़ार। सिर्फ 5,000 रुपये के लिए स्टूडेंट फर्जी कर रहे हैं, और कुछ इंटेलिजेंट बच्चे जाके एग्ज़ाम लिख रहे हैं और कोई दूसरे बच्चे स्टूडेंट जॉब पा रहे हैं। तो आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे इसमें है क्या। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि टुप्पूदाना सेंटर में जिनकी जगह पर लिख रहे थे परीक्षा, रेलवे की कोई परीक्षा नहीं दे सकेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी सेंटरों को संदेह होने पर तुरंत पकड़ने का आदेश, सभी परीक्षा सेंटर को आदेश दिया गया है कि थोड़ा भी संदेह होने पर तुरंत गहन जांच करें और फर्जी और गड़बड़ी करने वाले परीक्षार्थियों को तुरंत पकड़ें, साथ ही पुलिस को सौंप दें। फर्जी परीक्षार्थी अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही रहे हैं, जिसकी जगह एग्ज़ाम दे रहे हैं उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे परीक्षार्थियों को भविष्य में रेलवे के किसी भी परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा, ये चेयरमैन का आदेश है। तो यहाँ पे न्यूज है कि टुप्पूदाना सेंटर में सोमवार को रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा लिख रहे बिहार के चार फर्जी परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया गया। सुबह 9 से 10:30 बजे के बीच RPF ने यह फर्जीवाड़ा पकड़ा और चारों को टुप्पूदाना छात्रा थाने को सौंप दिया। इस संबंध में FIR दर्ज कर ली गई है। ये चारों परीक्षार्थी दूसरे अभ्यर्थी की जगह एग्जाम दे रहे थे। पुलिस के अनुसार रजिस्ट्रेशन के बाद जब परीक्षा शुरू हुई तो स्क्रीन पर पहले की तस्वीर और वर्तमान तस्वीर का मिलाना किया गया, जिसमें कुछ अंतर दिखा। संदेह होने पर RPF अधिकारियों ने पूछताछ की तो पहले उन्हें खुद ही सही अभ्यर्थी बताया। इसके बाद उसके पास का मूल प्रवेश पत्र और पूर्व में जमा किए गए मूल पहचान पत्र का मिलान किया गया, जिसमें फिर अंतर मिला। इसके बाद RPF ने कड़ाई से चारों विद्यार्थियों को पूछताछ की तो वो टूट गए। उन्होंने कहा कि वे दूसरे विद्यार्थियों की जगह परीक्षा लिखने आए हैं। शर्त के अनुसार परीक्षा लिखने के बाद जब वे बाहर निकलते तो संबंधित अभ्यर्थी उन्हें 5,000 रुपये देते। पुलिस के अनुसार चारों फर्जी अभ्यर्थी को जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। इधर RRB की रांची के चेयरमैन ने कहा है कि जिन अभ्यर्थियों के लिए फर्जी परीक्षा लिखते पकड़े गए उन्हें रेलवे की किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। ये फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार, जो उसका नाम है विकास कुमार, की जगह फर्जी परीक्षार्थी सुजीत कुमार परीक्षा दे रहे थे। सुजीत मेरा वठेर कठीसराय गया का रहने वाला है। वही सुनील कुमार की जगह अमलेश कुमार एग्ज़ाम लिख रहे थे। तो ऐसे दोस्तों एक दूसरे के जगह एग्ज़ाम लिख रहे थे, तो दोनों का करियर चला गया, ना इन फ्यूचर में कभी वो एग्ज़ाम दे पाएंगे, क्योंकि ये फर्जी से जो मेहनत से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, जिनको जॉब लगना चाहिए उनको जॉब नहीं लगते हैं, और चंद पैसों के लिए सिर्फ 5,000 रुपयों के लिए अपने आप को बेच देते हैं। तो इतना आसान नहीं है रेलवे एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ऑफलाइन एग्जामिनेशन में होता था, बट ऑनलाइन एग्जामिनेशन में इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे चेकिंग होते हैं, सारे मिलाप होते हैं, तो तुरंत अभ्यर्थी फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको कुछ भी नया वीडियो, नया न्यूज, नया अपडेट रेलवे एग्जामिनेशन से रिलेटेड आता है, मैं डेली रेलवे एग्जामिनेशन से रिलेटेड GS और GK या क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ, तो उसको हमारे चैनल पे आप देखें, नहीं हैं तो आप ज़रूर देखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।